हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाओलिन की एपिसोड 200 पाई की पार्ट 2। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था सीनियर चिंगमिंग गोस्ट मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर गोस्ट मास्टर अपनी पोर्क स्किल को यूज करता है। इन दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा ग्लो हो जाता है। अभी के लिए गोस्ट मास्टर सीनियर चिंगमिंग को मार चुके हैं, अभी के लिए आखिरी सांस ले रही होती है। सीनियर चिंगमिंग कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हारी रियल बॉडी पकड़ा ही लिया, मेरी स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाने की कभी भी मत करना। यहाँ पर चिंगमिंग ये कहते हुए अपनी एयर तो सॉल स्किल को यूज करता है। हॉली पायर हॉल गोस्ट मास्टर थोड़ा परेशान हो जाता है। चिंगमिंग कहता है, सेलेक्ट जीतता ही रहेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट को इन सीन को देखकर रोने लगती है, उसको रिस्पेक्ट करके वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर गोस्ट मास्टर कहता है, स्टूडेंट इतना पावर तो है ही नहीं, ये लोग मेरे साथ फाइट करने का काबिल भी नहीं है, या फिर मैंने किल करूँ। रास्ते में आने वालों को क्लियर करना है। इसके बाद हमें सुई को दिखाया जाता है, जो कि कहता है इस वार को कंटिन्यू स्टार्ट करो, इन सब के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करते रहेगा। सु बैंग वो भी इस तरह ही कहता है। इसके साथ हमें टैंक्सन और सेवन डेविल ग्रैंडसोल मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही होती है। टैंक्सन अपनी एयर सॉल टेक्निक को यूज करता है, इसकी वजह से डेविल मास्टर के स्टिक वहीं पर ही जाम हो जाता है। डेविल ग्रैंडसोल मास्टर कहता है, लड़के तुम्हारी पावर अभी के लिए लेवल 80 प्लस है और तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो, जो कि तुम नहीं कर सकते। यहाँ पर तुम अपनी पावरफुल अटैक को भी यूज करो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। टैंक्सन कहता है, तुम गलत हो, मेरा मकसद तुम्हारे सॉल टेक्निक को डिपीट करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद कंटिन्यूसली अटैक करना है। इसके साथ ही अब लेफ्ट लेग टेक्निक को यूज करता है। इसके बाद टैंक्सन अपनी हैमर के सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करता है। इस टेक्निक को डेविल ग्रैंडसोल मास्टर आसानी से डॉच कर लेते हैं। टैंक्सन कहता है, अभी के लिए मैंने पहले मूव को इसीलिए यूज करा था ताकि ये तुम्हारे रियल स्ट्रेंथ को जान सकूं, जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं। इन दोनों के दरमियान फाइट चल रही होती है। डेविल ग्रैंडसोल मास्टर को कियान दोलियो ने कहा था, डेविल मास्टर अभी के लिए तुम्हारे मिशन भी तुमको हेल्प करना है, सीलो सिटी में हर हाल में कम्प्लीट करना है। सेवन ग्रैंडसोल मास्टर कहता है, मैंने मेरे टीममेट के साथ प्रैक्टिस करके थक चुका हूँ, चलो ये भी अच्छा है, अभी के लिए मैं फाइट करने के लिए जाऊंगा। हम आ जाते हैं सेवन ग्रैंडसोल मास्टर की व्यू पर, जो कि टैंक्सन से कहता है, मैं इस गेम का डोमिनेटर हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। थोड़ा थोड़ा अटैक टैंक्सन को लग जाता है। इसके बाद हमें टाइगर क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है। टाइगर क्लैन के लीडर व्हाइट टाइगर के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमें मा हमजुम को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एयर सॉल्ट टेक्निक को यूज करता है। इस अटैक को स्वाड लीडर अच्छे से डॉच कर लेते हैं। मा हमजुम और ज्यादा अटैक करने लगता है। इसके बाद हमें यान को दिखाया जाता है, जो कि ऑस्कर के साथ फाइट कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर को। यहाँ पर टाइगर क्लैन के लीडर की एक पंच मारता है, जिसकी वजह से उसकी सॉल बॉडी टूट जाता है। कहता है, मेरी अटैक पावर व्हाइट टाइगर से भी काफी ज्यादा कम है, व्हाइट टाइगर की स्पीड काफी ज्यादा है, इसकी पावर की अंदाज भी नहीं लगा सकता। इसके बाद हमें एवेंडू स्कूल का सेकंड एडिटर कहता है, छोटे बच्चे का ग्रो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हुई है और इनकी पावर काफी ज्यादा अमेजिंग हो चुकी है। जिसके बाद हमें व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एयर सॉल टेक्निक को यूज करते हैं, जिसकी वजह से टाइगर क्लैन के लीडर काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हमें दाई बाईशू को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, हु बाय जू चिंग कंबाइंड टेक्निक इतनी पावरफुल बना दिया है। जिसके बाद हमें सुबैंग कहता है, अभी के लिए सिचुएशन हमारे हाथों में आ चुकी है, बस मास्टर सेवन डेविल ग्रैंडसोल मास्टर को जल्दी से हरा दे ताकि सिचुएशन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें टैंक्सन को दिखाया जाता है। सेवन ग्रैंडसोल मास्टर कहता है, तुम लोग यूजलेस हो, तुम लोग क्या सोचते हो मेरा मुकाबला कर सकते हो। इसके साथ ही अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक नाइन्थ सॉल टेक्निक को यूज करता है। कहता है, मैं ही इन सबको खत्म कर दूंगा। इसके साथ ही कहता है, नाइन्थ सॉल टेक्निक किलर ऑफ एवरीथिंग, इसकी प्रेशर से सारे लोग पेन में होती है। टैंक्सन की माथे पर गोल्डन लाइट चमकता है। टैंक्सन अपनी सीख और ट्रायड को बाहर निकालता है, जो कि कहता है, मैंने अभी के लिए सॉल पावर को इसीलिए मेंटेन करके रखा था ताकि इस तुम अपनी पावरफुल टेक्निक को यूज करो, उसके बाद मैं अपनी पावर को दिखा सकूं। तो दोस्तों, यहां पर होता है हमारे सॉल की एपिसोड कंप्लीट। तो आपको वीडियो कैसी थी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।